उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुभार गांव में सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है। इस गांव में लगभग सभी के घरों में शौचालय बनाए गए हैं और यह ग्राम प्रधान की ईमानदारी से संभव हुआ है। वहीं विपक्ष के लोगों का कहना है कि यह सब प्रधान का दिखावा है, हकीकत कुछ और है। मैं अनिल कुमार यादव हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके प्रधान जी का क्या नाम है? आपके प्रधान जी ने पिछले 4 सालों में जो भी कार्य किया है विकास कार्य, उससे आप किस तरह खुश हैं? खुश हैं? हर चीज़ से खुश है। सबको लाइटिंग बनाया, रास्ता बन गया, जिसका नाली नहीं था उसका नाली बन गया। आपको मिला है कुछ? हाँ, बहुत कुछ। क्या मिला है? हमारा रास्ता पीछे से रास्ता नहीं, रास्ता निकल गया, नाली निकल गया, लाइटिंग बनाया। आवास मिला है आपको? ना, आवास हमको नहीं मिला, जिसको मिलना है उसको मिला है। अच्छा अच्छा, आपके गाँव में कितने शौचालय बनेंगे लगभग? हमारे गाँव में करीब मैंने जितना घर है सबको बना है। अच्छा अच्छा, आपके ग्राम प्रधान जी द्वारा किए गए कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता गड़बड़ी दिख रही है? गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है। आप खुश हैं? गड़बड़ी नहीं, जो 20 साल पहले प्रधान नहीं किया है उस साल में प्रधान जी अच्छी काम करा के अब बधाई मैं लोग तो जिस प्रकार से आपने अपने उद्देश्य के लिए इनको प्रधान बनाया था जी, तो क्या आगे आने वाले दिनों में आप इनको फिर से प्रधान बनाएंगे? एकदम बनाएंगे। हम लोग सोच रहे हैं फिर प्रधान। आप ही के गांव के कुछ लोगों ने शिकायत किया था, प्रधान जी द्वारा तमाम तरह की धांधली की जाती है। जो लोग पर शिकायत, इतना बड़ा दुभण गांव प्रधान बा, 15 पूर्वा गांव बा, हर पूर्वा एक समान नहीं है। तो ये गाँव में तो छोटा सा एगो टोला टपड़ी लोग दुभण गांव के प्रधान लोग कहता है कि टोला टपड़ी के प्रधान बन गए, दुभण गांव के एकता बना के प्रधान हो गए। अच्छा बोले, जो प्रधान जी का खासियत है तब न प्रधान बनल बनी। 5 आदमी बराबर नहीं खाए, हम तो जानते हम खुश बनी, दूसरों आदमी खुश है, बाद में लोगों ने खुश नहीं की। इतने दिन के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएँ हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आता है, ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आता है, सुकन्या योजना आता है। तो हम आपसे चाहते हैं कि इस तरह की सभी योजनाओं में आपने अपने ग्राम सभा के कितने लोग लाभान्वित किया है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी शौचालय के निर्माण में लगभग 1300 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है शौचालय के माध्यम से, जो कि डायरेक्ट वो पहले आता था कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जाएगा, जो भी 12 राशि की राशि आती थी वो सरकार की ये होता है जैसे क्या उसको बोलते हैं, वो एक सहयोग राशि है जिसमें आप कुछ लगा के अच्छा भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो 1300 शौचालय लगभग 1300 हम लगभग इतना कर। अंत में आप सब ये जानना चाहेंगे कि ये भाजपा की सरकार के 4 साल कार्यकाल पूरा हो चुके हैं, इस 4 सालों में आपको किस तरह का सहयोग मिला है सरकार से, आज ग्राम और अगले आने वाले 1 साल में किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं? देखिए, अभी 4 साल पहले का आपको बता दें, 4 साल में जो भाजपा माननीय लोकप्रिय हम लोग को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, यह अहम उनका था, जिसमें अभी उजाला योजना चला, उसके बाद आपका ये आपका भी जो आकस्मिक मृत्यु बीमा चल रही, जैसे कि कोई एक्सीडेंट में मर जाता है उसको जो लाभ चाहिए, बहुत प्रमुख योजनाएँ थी। और राजवित का जो 14वां वित्त सरकार द्वारा हम लोग को मिला, इससे ग्राम पंचायतों का बहुत ही विकास हुआ है, इसमें कोई नहीं। जिस प्रकार से आप एक ग्राम सभा के पंचायत के प्रधान हैं, आप जी प्रधान प्रतिनिधि हैं, मेरी वाइफ है। अब भारत सरकार जो है डिजिटलीकरण के आगे बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है जी, जी। जिसमें ग्राम सभाओं का डिजिटल किया जा रहा है जी। इस डिजिटल योजना में ग्राम सभा का क्या महत्व है, किस तरह का महत्व है, कुछ बताएंगे मैं? अब डिजिटल में देखिए, जैसे कि ग्राम पंचायतों पहले का जो बजट आता था, आज से विगत सरकारों में हम लोग को पक्का वर्क करने का अधिकार नहीं था ग्राम पंचायतों को, जैसे इंटरलॉकिंग का कार्य, सीसी रोड बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, ये कार्य नहीं आते थे। लेकिन 14वां बिताने के बाद ये सब डिजिटल की तरफ जा रहा है, जैसे कि अभी हम लाइट लगवा रहे हैं, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं, इंटरलॉकिंग हो रहा है, पिछले सरकारों में नहीं था, जो ग्राम पंचायत को विशेष अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है।